गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुडे वी हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज IoT, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो सबसे पहले हम बच्चे ये बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट इन आवर होम वी हैव सेवरल नंबर ऑफ अप्लाइंसेज लाइक आवर रेफ्रिजरेटर, आवर ओवन, और कैमराज। मे बी दैट CCTV कैमराज आर इनेबल्ड एट आवर होम, CFLs, लाइटिंग सिस्टम एंड मैनी मोर, जस्ट लाइक आवर दैट गेट लॉक। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट इंडिपेंडेंटली वर्किंग एंड दे आर जस्ट बी वर्केबल वेन एवर वी आर इंटरेक्ट विद इट। ओके, सो जब भी इन चीज़ों को पर्टिकुलर यूज़ करना होता है तो यूज़र डायरेक्टली इनसे इंटरेक्ट करता है। बट व्हाट व्हेन वी आर जस्ट कंट्रोलिंग दीज ऑल डिवाइसेस थ्रू द इंटरनेट बच्चों, सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बच्चों, इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट हैव एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। इन दिस वी आर जस्ट इनेबलिंग all the devices which we are using in our daily basis, and they are electronic devices through the network. ठीक है, so if we are just connecting all these devices with the internet, then without using direct interaction with these devices we can directly communicate with it with our mobile phone or through the internet. So simply, what is IoT? Simply, Internet of Things is a new technology or a new era that allow computing devices to transfer the data over to the network like internet without requiring human to human or human to computer interaction. Okay बच्चों, so simply जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन से हमने कई सारे अदर डिवाइसेस को आपस में देखो बच्चों कनेक्ट कर रखा है, तो सिंपली हम अपने मोबाइल फोन या अदर डिजिटल डिवाइस से डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे ये सभी डिवाइसेस इंडिपेंडेंटली आपस में वर्क करने लगते हैं। ठीक है, एक्चुअली IoT टेंड्स टू ब्रिंग द टुगेदर दीज डिवाइसेस टू वर्क इन कोलेबोरेशन एंड असिस्ट ईच अदर इन क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे घर पर रखा हुआ माइक्रोवेव ओवन है, एयर कंडीशनर है, डोर लॉक सिस्टम है, CCTV कैमराज है, ये सभी डिवाइसेस आपस में अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, सो वी कैन एक्सेस देम रिमोटली कंट्रोल थ्रेम थ्रू आवर स्मार्टफोन ओनली। और होता भी है बच्चों, हम सिंपली अपने घर पर बैठे बैठे अपने दैट पर्टिकुलर, जैसे सपोज़ करो हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं और हमारे घर पर दैट CCTV कैमरा इनेबल्ड है, सो उन पर्टिकुलर CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग को हम डायरेक्टली लाइव भी अपने मोबाइल फ़ोन दैट इज़ स्मार्टफोन के ऊपर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल एप्लीकेशंस थे IoTs के। ठीक है, बट रादर देन IoT कई अदर जगहों पर भी काम आता है। अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ IoT की बात करते हैं, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, जैसे कई जो बिग कंट्रीज है बच्चों, वहाँ पर जैसे हम लोग जब डॉक्टर के पास डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमसे डेली रूटीन्स पूछते हैं, लेकिन कई स्मार्ट सिटीज़ के अंदर बच्चों क्या होता है कि दैट पीपल आर जस्ट वियरिंग सम स्मार्ट गैजेट्स लाइक दैट रिस्ट बैंड काइंड। ठीक है, जैसे फिटबिट, जावाबोन, नाइक, मिसफिट एक्सेट्रा, तो सच काइंड ऑफ स्मार्ट गैजेट आते हैं, बैंड होते हैं जो हमारे हाथों के ऊपर लोग वियर करते हैं, जस्ट लाइक वॉच, वो वॉच का भी काम करता है। वो कंटिन्यूसली जो पर्सन है उसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा को अकॉर्डिंगली मेजर करता रहता है, और दैट पर्टिकुलर डेटा इज कंटिन्यूसली सेंडिंग टू द डॉक्टर, एंड वेन एवर फॉर एनी अपडेट और एनी प्रॉब्लम वैन द पर्सन इज जस्ट कॉन्टेक्टिंग टू द डॉक्टर, देन डॉक्टर हैव ऑलरेडी दियर ऑल लॉग that what kind of that activity is done by that person, so उसे आसानी होती है बहुत ज़्यादा डायग्नोस करने में। ठीक है, उसी तरह से हमारे कई सारे होम सिक्योरिटी सिस्टम आते हैं, जैसे वीडियो सर्विलांस, मोशन टेम्परेचर, एयर क्वालिटी कंट्रोल, ये सभी बच्चों IoT से रनेबल्ड डिवाइस होते हैं। ठीक है,
जैसे आपका फायर अलार्म सिस्टम ले लो, ठीक है, वो भी एक आईओटी इनेबल्ड है। उसके थ्रू आप जैसे सपोज करो घर के अंदर फायर होती है तो फायर को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ऐसे वीडियो सर्विलांस सिस्टम है बच्चों, उसमें जो पर्टिकुलर आपके घर के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम पे वीडियो इनेबल्ड है वही आपके लाइव विजिबल हो रहा होता है, ठीक है। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बच्चों ड्राइवर लेस जो कार होती है वो ड्राइवर लेस कार रेगुलरली सिर्फ ड्राइव ही नहीं करती विदाउट ड्राइवर, एक्चुअली इट इज़ जस्ट कनेक्टेड थ्रू द सर्वर, जिससे कि वो जियोग्राफिकल लोकेशन ले रही होती है। तो सिंपली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसी तरह से शॉपिंग की अगर बात करो तो जैसे कई आज की तारीख में बच्चों स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में रखने वाला जब कंपोनेंट लेस हो जाता है, जैसे सपोज करो वाटर बॉटल्स आपकी उसमें लेस अमाउंट में हो गई तो ऑटोमेटिक वो बीप और सायरन का साउंड करने लगता है, जिससे वो इंडिकेट करा देता है कि पर्टिकुलर थिंग रेफ्रिजरेटर के अंदर लेस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सभी जो थिंग्स हैं जो कि इंटरनेट इनेबल्ड हैं, जो कोलेबोरेटिवली वर्क करती हैं एक दूसरे दैट पर्टिकुलर नेटवर्क में इनेबल्ड होकर ये असिस्ट करती हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, इज कॉल्ड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब थिंग्स विच इज़ कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज WoT, स्टैंड्स फॉर वेब ऑफ थिंग। देखो बच्चों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ स्मार्ट सिटी, ठीक है, वेयर एवर द थिंग्स आर जस्ट इनेबल्ड विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। बिना ह्यूमन के इंटरेक्ट करे ही जो थिंग्स हैं वो ऑटो इनेबल्ड और ऑटो दैट कंट्रोलेबल होती हैं। उसी तरह से बच्चों हमारा वेब ऑफ थिंग्स होता है। सिंपली वेब ऑफ थिंग्स इज अ फ्रेमवर्क विच इज़ अ विजन वेयर एवरी डेज स्मार्ट डिवाइसेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद द वेब यूजिंग एक्सिस्टिंग वेब टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड। IoT के अंदर तो वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ नेटवर्क एंड इन दैट वी आर जस्ट इनेबलिंग ऑल द डिवाइसेज, बट इन वेब ऑफ थिंग्स वी आर जस्ट क्रिएटिंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू द वी आर कंट्रोलिंग ऑल दिस दैट डिवाइसेज थ्रू द वेब। ओके बच्चों, यूजिंग एग्जिस्टिंग वेब टेक्नोलॉजी वी आर कंट्रोलिंग देम, दैट इज़ नो स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड फॉर WoT। एग्जाम्पल जस्ट लाइक बच्चों स्मार्ट डिवाइसेज एंड ऑब्जेक्ट आर वायरलेस सेंसर्स नेटवर्क एम्बियंट डिवाइसेज स्मार्टफोन्स स्मार्ट हाउसहोल्ड एक्सप्लाइंसेज लाइक हमारा TV हो गया। तो हमारा जो टेलीविज़न होता है आज की तारीख में स्मार्ट TVs आ गए बच्चों, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो के और उनको किसी सैटेलाइट बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली दे कैन जस्ट दैट गिविंग द डेटा टू द यूज़र, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ वेब ऑफ थिंग्स इज दैट बच्चों इट कैन रीयूज द एग्जिस्टिंग वेब स्टैंडर्ड टू कनेक्ट द स्मार्ट डिवाइसेज विद द वेब। दैट्स मीन WoT यूजेज द कॉमन स्टैंडर्ड एंड ब्लू प्रिंट्स जस्ट लाइक वेरियस प्रोटोकॉल URI, HTTP एक्सेट्रा ऑफ द वेब टू एक्सेस द फंक्शनैलिटी ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड दियर नेटवर्क, अनलाइक IoT विच रिक्वायर स्पेशल सेंसर्स और अदर टेक्नोलॉजी टू इंटरेक्ट। एक्चुअली इन IoT बच्चों स्पेशल दैट सेंसर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर आपके जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आसानी से उनको वेब से कनेक्ट कर लिया जाता है, जिनके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है बस, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेंसर। बच्चों जिस तरह से हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दैट कनेक्ट होने के लिए हमें सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारे जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम होते हैं, IoTs, WoTs, IoTs स्पेशली, दे यूजेस स्पेसिफिक सेंसर्स। एक्चुअली ये जो स्पेसिफिक सेंसर्स होते हैं बच्चों, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कई सारे फिजिकल रियलिटीज जस्ट लाइक टेम्परेचर, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्शन, हीट एक्सेट्रा को एब्जॉर्ब करने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और अकॉर्डिंगली दे आर पासिंग द पर्टिकुलर डेटा टू द दे कन्वर्ट द पासिंग डेटा इन टू द डिजिटल फॉर्म एंड गिव्स टू द कंप्यूटर और द मोबाइल फ़ोन। जैसे अगर हम हमारे मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे मोबाइल फ़ोन में एक सेंसर होता है, जिसे हम कॉल करते हैं तो कॉल करते हैं जैसे ही उस पर्टिकुलर मोबाइल को हम अपने ईयर के पास में लाते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो स्क्रीन होता है वो ऑफ हो जाता है। तो ये जो बच्चों सेंसर है, इससे क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन है वो कट हो जाने की, जैसे सपोज़ करो अगर हमने अपने चीक से उसको टच कर लिया या हमारे दैट ईयर से फ़ोन टच है
ऐसी सिचुएशन में मे बी कि कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो वो उससे प्रोटेक्ट करता है, ऑटोमेटिक वो जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से हमारे बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं मोबाइल में, कई सारे टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, कलर सेंसर्स आपने देखा होगा बच्चों स्क्रीन में, जैसे ही हम लोग ब्राइट लाइट में आते हैं या डिम लाइट में आते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन का जो कलर होता है वो तो ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट सेट हो जाता है, जिससे यूज़र कैन ईजिली व्यू। जैसे डिम लाइट में थोड़ा ब्राइट हो जाता है, ब्राइट लाइट में थोड़ा डिम हो जाता है, जिससे आसानी से यूज़र देख पाए। तो ये जो स्मार्ट सेंसर्स होते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं IoTs में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर्स यूज किए जाते हैं। द सेंसर्स ऑफ IoT आर मेनली स्मार्ट सेंसर्स। स्मार्ट सेंसर कन्वर्ट द रियल वर्ल्ड क्वांटिटी, जो मैंने आपको बताई, प्रेशर हो गया आपका, कलर सेंसर्स हो गए आपकी, ह्यूमिडिटी होगी, कैपेसिटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र हो गया, इन सभी रियल लाइफ के जो रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज़ होते हैं ना बच्चों, उनको एक्चुअली डिजिटली कन्वर्ट करके दे आर ट्रांसमिटिंग वायरलेसली ओवर टू द नेटवर्क। द स्मार्ट सेंसर हैव इंटेलिजेंट इनफ, दे हैव कैपेबिलिटी सच एज वायरलेस कम्युनिकेशन एंड बींग ऑन बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड टू वे कम्युनिकेशन। ओके बच्चों, सो दीज आर द सेंसर्स एंड द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट सिटी विच इज़ इनेबल्ड विद द WoT एंड IoT। आप ये भी कह सकते हो WoT और IoT का एक एप्लीकेशन मीन्स यूज़ है टू क्रिएट अ स्मार्ट सिटी, जिसको हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।